और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और अच्छी खबर आ रही है टोक्यो पैरालंपिक से। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर आज भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर से अपना जलवा दिखाया है और आज सुपर सैटरडे हो चुका है क्योंकि 50 मीटर शूटिंग में मनीष नरवान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है जबकि सिंगराज ने सिल्वर पर अपना कब्जा जमाया है और इसके साथ ही भारत के खाते में अब तक 15 मेडल आ चुके हैं जिसमें कि 3 गोल्ड मेडल है। ये मेडल बैडमिंटन में है। आपको बता दें कि सुहास एलवाई, प्रमोद भगत और कृष्णा अपने अपने इवेंट के फाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय खिलाड़ियों की कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। आपको बता दें कि जैसे ही ये पदकवीर वापस लौटेंगे उसके बाद इनका स्वागत भी होगा और प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात भी होगी। तो आपको बता दें कि बेहद शानदार प्रदर्शन हमारे इन पदकवीरों का देखने को मिला है टोक्यो में। इससे पहले भी हम लगातार देख चुके हैं कि किस तरह से पैरालंपिक से जब से ये शुरुआत हुई है टोक्यो पैरालंपिक के तब से खुशखबरी ही हमारे हाथों लगी है और बेहद अच्छी खबर आज फिर मौजूदा पैरालंपिक में भारत ने अब तक 15 पदक जीते हैं। भारत के खाते में अब तक 3 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। ये पैरालंपिक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। रियो पैरालंपिक 2016 में भारत ने मात्र 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते थे लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया है। आपको बता दें इस बार अब तक 3 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर 15 मेडल हमारे खाते में आ चुके हैं। तो सुपर सैटरडे आज है, सिंगराज राणा ने जीता है सिल्वर मेडल और साथ ही साथ मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH1 शूटिंग में जीता है सिल्वर इन्होंने 216.7 के स्कोर के साथ इन्होंने जीता सिल्वर मेडल जिसके बाद घर में खुशियां देखी किस तरह से मनाई जा रही है। इस पैरालंपिक में सिंहराज का ये दूसरा मेडल है। फिरोज, आपको हम बता दें कि ये उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं ये दोनों ही पदकवीर और कमाल कर दिया इन दोनों ने।